हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास डेस्क। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारी जो डिस्कशन रहेगी वो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में रहेगी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है। इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में हम लोग सारे चीज अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, जिसमें मैं कुछ पैरामीटर्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन से चीज ये कॉलेज प्रोवाइड करती है। इसमें से सबसे पहले मैं कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से कोर्सेज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपको ऑफर करती है। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ उस कोर्सेज का जो एवरेज फी स्ट्रक्चर है वो कितना होगा, मतलब कि टोटल अगर सारे कोर्सेज हम लोग देख ले जो श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपको ऑफर करती है, तो इन सारे कोर्सेज का जो फीस है उसका कितना होराइजन हो सकता है, कितना रेंज हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट फिगर्स द कॉलेज प्रोवाइड, कैसे कैसे कंपनीज आते हैं और प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स क्या है इस पर्टिकुलर कॉलेज का। एंड फाइनली मैं इस कॉलेज के कुछ नोटेबल एलुमनाइज के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं, जिसके थ्रू आपको यह आइडिया लगेगा कि इस कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितने आगे जा पाए हैं। तो इसी सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉलेजेस है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से इसका एक स्टेटस है इन टर्म्स ऑफ बीकॉम। अगर हम लोग कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही अच्छा कॉलेज इसको माना जाता है। अगर कोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो टोटल 21 कोर्सेज ये पर्टिकुलर कॉलेज आपको ऑफर करती है, जिसमें से बीकॉम ऑनर्स आ जाता है, बीकॉम प्रोग्राम आ जाता है, बीए ऑनर्स आ जाता है जिसमें इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री एक्सेट्रा बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। बीएमएस आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इस पर्टिकुलर कॉलेज से। टोटल 21 कोर्सेस है, लेकिन सबसे फेमस जो है वो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड बीएमएस है। ये जो चार कोर्सेस है इसमें से बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बस इतना है कि बीकॉम प्रोग्राम वही स्टूडेंट्स करते हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स परसू करना चाहते हैं, एंड बीकॉम ऑनर्स वो स्टूडेंट करते हैं जो कॉमर्स विद मैथ्स परसू करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेस दैट श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड्स यू। अब आ जाते हैं फीस की तरफ कि कितना फीस का रेंज लगता है अगर आप टोटल सारे कोर्सेज को लेके चलो तो पर ईयर जो इसका खर्चा है वो 25,000 से 30,000 के आसपास होता है। किसी भी कोर्सेज को आप उठा लो इसी रेंज के बीच में ये पर्टिकुलर चीज रहेगा। बाय द वे इसके जो मैं ये वैल्यू बता रहा हूं ये वैल्यू आपका बस ट्यूशन फीस है, मतलब कि आप जो कोर्सेज को परसू करते हो उसका इंडिविजुअल फीस है ये। इसमें एकोमोडेशन जो फीस है वो एक तरीके से मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो फूड एकोमोडेशन को अगर आप मिला लोगे तो आप समझ लो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगह में अगर आप वहां पे करोगे तो 1,00,000 और ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल आपका पर ईयर जो खर्चा होने वाला है इन कोर्सेज को परसू करने में अंडर ग्रेजुएट लेवल में वो 1,25,000 टू 1,30,000 के आसपास हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग प्लेसमेंट्स के तरफ। सो इफ आई लुक इन टू द प्लेसमेंट्स, एवरेज प्लेसमेंट जो लगती है इस पर्टिकुलर कॉलेज से वो अराउंड 6,00,000 पर एनम का लगता है, एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो अराउंड 9.6 टू 10,00,000 पर एनम का लगता है। ये एक अच्छा फिगर है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप फीस देखोगे और टोटल प्लेसमेंट देखोगे तो काफी अच्छा है। बट हाँ, मैं ये भी बोलूंगा कि और भी बहुत सारे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉमर्स का कोर्स को प्रोवाइड करती है विद अ लेसर फीस एंड हायर प्लेसमेंट, बट स्टिल आपके नॉलेज के लिए ये रखना इंपॉर्टेंट है। जो जो कंपनीज इस पर्टिकुलर कॉलेज से रिक्रूट करने आती है उसमें से डेलॉयड, केपीएमजी, ईवाई, जीएस एसोसिएट, सिटी बैंक, डी शॉ, जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज आती है जो कि कंसल्टिंग और बैंकिंग के अच्छे नोन कंपनीज है, जिसमें अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हो तो फर्दर जब आप अपना एमबीए करते हो या फिर कोई भी फर्दर स्टडीज करते हो तो एक तरीके से आपके लिए एक अच्छा प्रोफाइल बिल्ड हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम और बीए अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में करते हो तो ओवरऑल सबसे ज्यादा जो है आपका प्लेसमेंट्स का फिगर्स ज्यादा रहता है इसमें, क्योंकि दीज आर द ग्रेजुएशंस, दीज आर द डिग्रीज जहां पे कंपनीज जो है ज्यादा उठाते हैं बच्चों को, बिकॉज कंपनीज को भी ऐसे डिग्रीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। तो अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएशन तो आपका टारगेट यही पॉपुलर कोर्सेज में रहना चाहिए जिसमें बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीएमएस आ जाती है। अगर मैं इस कॉलेज का नोटेबल एलुमनाइज के बारे में बात करूं
तो सबसे पहला जो नाम आता है वो श्री प्रणब मुखर्जी आते हैं, जो सबसे ज्यादा नोटेबल एलुमनाई में से माने जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज का। ही हैज बीन द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमीद अंसारी भी इसी पर्टिकुलर कॉलेज से पास आउट हैं। डॉक्टर विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं, एमएलए रहे हैं, ये सारे के सारे पर्टिकुलर जो इंसान है सब इस पर्टिकुलर कॉलेज से ग्रेजुएट किए हैं। तो यही है हमारा इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। आई गेस आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिला है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको एक प्रॉपर रेलेवेंट आइडिया दी है कि इस कॉलेज का क्या स्कोप है इन टर्म्स ऑफ कोर्सेस, फीस एंड प्लेसमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।